हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में दोस्तों स्मार्ट साइड बार शॉर्टकट सेटिंग को यूज़ करोगे, स्मार्ट पैनल सेटिंग को कैसे आप अपने फ़ोन में यूज़ करोगे, आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सेटिंग के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। दोस्तों आपके इन्फिनिक्स के फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा स्पेशल फंक्शन सेटिंग का। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में स्पेशल फंक्शन सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट पैनल का। दोस्तों आपको स्मार्ट पैनल सेटिंग पे क्लिक करना है। स्मार्ट पैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से राइट साइड से ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे राइट साइड से स्वाइप करते हो, पहले आपको बैक होने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप राइट साइड से स्वाइप करोगे दोस्तों आप स्मार्ट पैनल स्मार्ट साइड बार सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट टेक कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन को आप लॉक भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप फाइल को ओपन कर सकते हो, गैलरी को ओपन कर सकते हो, कैलेंडर ऐप को, क्लॉक ऐप को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फाइल ऐप पे, दोस्तों मेरे फोन में फाइल ऐप ओपन हो जाएगी शॉर्टकट सेटिंग से। दोस्तों मैं दोबारा स्वाइप करूँगा कैलेंडर पे क्लिक करूँ तो दोस्तों मेरे फोन में कैलेंडर ऐप ओपन हो जाएगा इस तरीके शॉर्टकट सेटिंग से। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे स्वाइप करोगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो लास्ट रूम दिख रही है आप इस पर क्लिक करोगे। दोस्तों यहाँ पर आप बी लाइन वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ऐप को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं कैलेंडर को और गैलरी को हटा देता हूँ, फाइल ऐप को भी हटा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फ़ोन कॉल वगैरह को भी, कॉन्टैक्ट वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, कैमरा को भी ऐड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम और यहाँ से यूट्यूब ऐप को मैं ऐड करूँगा अपने स्मार्ट पैनल सेटिंग में। अब दोस्तों अगर दोस्तों मैं राइट साइड स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ मेरे फ़ोन में डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ऐसे दोस्तों मैं दोबारा स्वाइप करता हूँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को ऑन कर सकता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्मार्ट पैनल सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको अपने फ़ोन में ऑफ करते हो फिर दोस्तों आप इस शॉर्टकट सेटिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपकी जो स्मार्ट पैनल सेटिंग है ये ऑफ है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए वापस से क्लिक करो, स्वाइप करो। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो अगर यहाँ पे स्क्रीन शॉट के लिए क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में स्क्रीन शॉट भी टेक हो जाएगा यहाँ पे शॉर्टकट सेटिंग से। दोस्तों इस तरीके से हम इस सेटिंग को और इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट दोस्तों, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो सेटिंग को लेकर कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। बाय दोस्तों।